सुप्रभात, सुबह के 8 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन, मैं हूं आपके साथ पूजा कविया। किस्मत कनेक्शन में आज हम बात करेंगे आपके सितारे की, आपके भाग्य की, आपके भविष्य की। जी हाँ, तो किस्मत कनेक्शन में आज आपका दिन कैसे रहने वाला है, सबको लेकर हम चर्चा करेंगे। स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ एक खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, डॉक्टर सीमा मिडा जी हमारे साथ हैं, विश्वख्यात टैरो कार्ड एक्सपर्ट है। बहुत स्वागत है आपका सीमा जी इस कार्यक्रम में। तो आज हम जानेंगे आपके भाग्य के बारे में, आपका दिन कैसे रहने वाला है, लेकिन शुरुआत हम करते हैं प्रदेशवासियों के दिन के साथ। जी हाँ, प्रदेशवासियों का दिन आज का कैसा रहने वाला है, उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए सीमा जी? बिल्कुल, आज कैसे रहने वाला है हरियाणा वासियों का दिन, और जिनका जन्मदिन है उनकी तो आज जीत होने वाली है। और हम सब की तरफ से, हरियाणा न्यूज की तरफ से आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, और आपकी जीत निश्चित है। और अगर प्लान कर रहे हैं, रिजल्ट की आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, तो आज सब कुछ आपके पक्ष में होने वाला है। और बाकी लोगों का दिन भी बहुत अच्छा रहने वाला है। आपको भी होपफुल रहना है, अपनी पोजीशन बरकरार रखनी है, यानी कि जो काम आपको दिया गया है कर्तव्य पूर्ण उस काम को निभाएं। बिल्कुल, और अगर उसको आप कर्तव्य के साथ, निष्ठा के साथ निभाएंगे, तो वह काम बखूबी आपका पूरा भी हो पाएगा। जो दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। आप लोग अपने भाग्य के बारे में, या अगर परिवार से जुड़ी कोई समस्या है, आप किसी के बारे में कुछ जानकारी चाहते हैं, सब कुछ आप इस कार्यक्रम में पूछ सकते हैं। श्यामलाल हमारे साथ पहले कॉलर जुड़ चुके हैं। श्यामलाल जी नमस्कार, डेट ऑफ बर्थ बताइए, सवाल भी पूछिए। नमस्कार जी। जी नमस्कार। हाँ, 26/4/1994 ये बेटे का जन्म। 26/4/1994 जी। 1994 जी, 94। जी जी जी। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि उसने पोस्ट का फिजिकल किया हुआ है, तो नौकरी कब तक मिल जाएगी उसको? नौकरी कब तक लगेगी यहाँ पे? हाँ, ये देख लेते हैं, क्योंकि कार्ड में क्या आता है, लेकिन जहाँ तक नंबर की बात आती है, अप्रैल के बाद का टाइम उनके लिए बहुत बेहतरीन है। और नौकरी कब तक लगेगी, बहुत अच्छी शुरुआत उनकी होने वाली है और बहुत जल्द होने वाली है, तो बहुत अच्छे से सेटलमेंट हो जाएंगे। कार्ड उनके लिए पॉजिटिव है। यहाँ पे आपकी सोच भी इस चीज पे निर्भर करती है कि जो भी आपको काम दिया गया है, मतलब उसके रिलेटेड जो वर्क है वो पूरा करें। नौकरी जो है कार्ड पॉजिटिव दिखाते हैं, जरूर मिलेगी। विद इन 2 मंथ्स ही विल बी ऑन सम पोजिशन, और कुछ होल्ड करके रखेंगे जरूर से, और आप सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो बिल्कुल, बस 2 महीने का इंतजार, और उसके बाद देखिए एक अच्छी नौकरी, एक अच्छा विकल्प आप सभी के सामने नजर आ रहा है। बाकी के कॉलर्स कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं, आपके सवाल हैं जो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में हमारी बहुत सारी क्वायरीज होती हैं, बहुत और पूछना चाहते हैं। यहाँ पे ये कहना चाहेंगे पूजा, बहुत बार क्या होता है कि आपकी खुद की वजह से आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल आ रहे होते हैं। आपका मोबाइल नंबर ठीक नहीं है, या आपका सिग्नेचर ठीक नहीं है, या आपका नाम ठीक नहीं है, वो खुद क्रिएशन हुई है। यहाँ पे ये कहेंगे कि डेट ऑफ बर्थ को हम पासवर्ड की तरह लेते हैं। आपने देखा होगा लोग अलग अलग तरह के होते हैं, लोगों के जो माइंड का चिप है वो अलग अलग चीजें सोचता है। लाइक आप मान लो आपके 4 फ्रेंड्स हैं, और वो चारों का अलग अलग पर्पस होता है, चारों की सोच अलग होती है, चारों को कुछ और करना अलग अलग रहता है। यहाँ पे ये सब चीजें कैसे निश्चित होती हैं, वो आप खुद कर रहे होते हो अनजाने जाने में। अगर आपको काम चाहिए तो काम के लिए आपको डिवोशन, फोकस, जो काम करना है वो करें। अगर शादी करनी है तो लोग कहते हैं शादी कब होगी, लेकिन उसके लिए कुछ कर तो रहे नहीं है वो। नौकरी छोड़ नहीं सकते, छुट्टी ले नहीं सकते, काम कर नहीं सकते, तो हर चीज डिले हो जाती है। तो यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर भी जिम्मेवार हो सकता है आपकी सफलता और असफलता के लिए। यही हम आगे अपने कार्यक्रम में बताने वाले हैं। बिल्कुल, साथ ही साथ हम इस कार्यक्रम में अंकों के आधार पर, नंबर के आधार पर आपके दिन की बात करते हैं। तो शुरुआत नंबर 1 के साथ कर लेते हैं। आज का दिन नंबर 1 वालों के लिए क्या कुछ कहता है, उनको क्या करना चाहिए, किन चीजों से बचना चाहिए, आज का दिन सीमा जी कैसा है? बिल्कुल, नंबर 1 तो मेरा भी है, और नंबर 1 जिनका भी है आज, जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 है, 10 है, 19 है, 28 है, उनका नंबर हो गया 1। अब 1 नंबर होता है कम्युनिकेशन एंड एक्सप्रेशन का। जो लोग बहुत ही अच्छा कम्युनिकेशन एक्सप्रेशन कर सकते हैं, अभिव्यक्ति कर सकते हैं अच्छी, लेकिन कहीं 1 नंबर वाले आप, जिनके नंबर में बहुत सारे 1 तो नहीं है, अगर है तो आपको मिसअंडरस्टूड किया जा सकता है। आपकी नौकरी में भी परेशानी आ सकती है, अधिकता भी और नहीं होना भी। अगर आप नंबर 1 हैं
तो आपका दिन आज बन जाने वाला है, लेकिन बचना होगा, आसपास के अपने ही लोग कुछ धोखा दे सकते हैं, तो आपको उससे बचना होगा। दिल से विल से अपने दिन को अपने कर्मों से अच्छा बना सकते हैं, आशावान बने रहना होगा। चेक करें आपके मोबाइल नंबर में बहुत ज्यादा वन तो नहीं है, अगर है तो संतुलन बनाएं और बचे अधिकता के नंबर वन अधिकता से। बिल्कुल, तो ऑप्टिमिस्टिक आप बने रहिए और उसके बाद देखिए आपका दिन काफी बेहतर भी हो जाएगा। नरेंद्र हमारे साथ अगले कॉलर हैं। नरेंद्र जी नमस्कार, आपकी डेट ऑफ बर्थ बताइए। नमस्कार जी, जी 14/11/1997 जी। जी फिर से बताएं। 14/11/1997 14/11/1995 97 जी 97 ओके जी। आपका सवाल? सवाल जी पढ़ाई के बारे में पूछता हूँ जी बेटे के। पढ़ाई के बारे में पूछना चाहते हैं, तो पहली बात तो ये है कि 14/11/1997 है, तो 14 नंबर के साथ एक विशेष वो होती है, क्योंकि ये कार्मिक नंबर है, उनका ध्यान एक जगह टिके नहीं रहता है, बस जल्दी दिल भर जाता है किसी एक चीज से। मान लो आज आपने टारगेट बनाया इतनी पढ़ाई करनी है, तो थोड़ी देर बाद उब जाएंगे, आपको कुछ बदलाव चाहिए रहता है। तो यहाँ पे अगर पढ़ाई की बात करें, अगर उसमें स्थायित्व लाते हैं तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा। पढ़ाई कैसी रहेगी, कार्ड आ रहा है कि टिक के रहना है, ये कार्ड में भी दिखाई दे रहा है। पढ़ाई अच्छी कर सकते हैं, इंटेलिजेंट हैं, आपके पास में भी बहुत सारे वन है, तो मेरी ये गुजारिश है कि अपने नंबर को देखें कि कहीं बहुत सारे वन तो नहीं है, उनको चेंज करें। मोबाइल नंबर की बात हम कर रहे हैं, यहाँ पे मोबाइल नंबर जो है वो कई बार कई लोग वीआईपी नंबर लेने के चक्कर में रह जाते हैं, तो वीआईपी चक्कर में लेकर आप बहुत सारी चीजों को रिपीटेशन ना करें। बिल्कुल, और आपका कार्ड बहुत पॉजिटिव आया है आपको पढ़ाई को लेकर। चलिए तो अगले कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। नवीन है हमारे साथ। नवीन जी आपका क्या सवाल है, आपकी डेट ऑफ बर्थ बताइए सबसे पहले। नवीन जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? नवीन से संपर्क नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं, नंबर दो की बात कर लेते हैं। आज नंबर दो वालों के लिए कैसा दिन है, क्या खास है उनके लिए? नंबर दो होता है मून प्लेनेट का, और बड़े ही उतार चढ़ाव उनको अपनी लाइफ से देखने पड़ते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी से कम है, क्योंकि शाहरुख खान का भी नंबर टू है, अमिताभ बच्चन का भी नंबर टू है, कहीं किसी से कम नहीं है। दिल से विल से बहुत अच्छे काम कर सकते हैं, सेंसिटिव होते हैं, मूडी होते हैं। यहाँ पे आज आपका दिन कैसे रहने वाला है ये देख लेती हूँ। आज आप पूरी तरह से छा जाने वाले हैं, आपको सकारात्मक रवैया अपनाना होगा, और चारों दिशाओं से ब्लेसिंग्स आ रही हैं, तो आप पूरी तरह से छा जाने वाले हैं। और अगर मोबाइल नंबर में बहुत सारे टू हो गए तो बहुत ही सेंसिटिव हो जाएंगे, रिश्तों को लेकर खासकर परेशान करने वाला रहता है जिसमें ज्यादा नंबर टू होते हैं, और बहुत जल्दी दूसरों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, तो ज्यादा टू होना भी आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है और टू नहीं होना भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो अगर आपका नंबर है टू तो देखें कहीं रिपीटेशन ऑफ टू तो नहीं हो रही है आपके मोबाइल नंबर में, तो जल्दी से बदल डालें नंबर और बना लें अपनी किस्मत। बिल्कुल, क्योंकि ये जो नंबर हैं बहुत कुछ कहते हैं आपकी जिंदगी में, बहुत कुछ मोड़, बहुत कुछ उतार चढ़ाव ये नंबर आपकी जिंदगी में लेकर आ सकते हैं। नंबर तीन वालों के लिए आज का दिन कैसा है, क्या कुछ खास है जानते हैं? बिल्कुल, नंबर तीन होता है जुपिटर का, और जुपिटर का मतलब ये है कि उनकी पोजीशन तो हमेशा ही ऊपर होती है, लेकिन यहाँ पे जिसके पास ज्यादा नंबर होते हैं तीन, वो बहुत ही सोशल दिखावे में और सोशल एप्रिसिएशन में या दुनियादारी के लिए ही जीते हैं और बड़ों की काम करते रहने वाले। आगे बताऊंगी कैसे रहने वाला मोबाइल नंबर आपका ज्यादा तीन है। तो यहाँ पे आज का दिन तो आप सेलिब्रेट कर रहे हैं और खुशियां मना रहे हैं। धन के मामले में थोड़ा किसी से वाद विवाद हो सकता है, लेन देन बराबर रखे, लेने की बात ना सोचे, देने की बात भी सोचे, और पारिवारिक सुख आप मिलेगा आज, आप बहुत खुश रहने वाले हैं। और अगर नंबर में बहुत तीन होता है तो कहीं आप दूसरों के लिए ही करते रह जाएंगे, अपने लिए कुछ नहीं करेंगे, तो यहाँ पे ये कहूंगे कि ज्यादा मैनिपुलेशन भी कर सकते हैं। सो अगर आप मीडिया फील्ड में हैं, अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हैं, इंस्ट्रक्टर है, तो तीन हो सकता है। अगर रिपीटेशन ऑफ तीन है तो आपको हानि पहुंचा सकता है, इसलिए बदल डालें अपना नंबर, करेक्ट करें, संतुलन लाएं, बैलेंस करें, तो सफलता सुनिश्चित कर पाएंगे। तो कैसे आपको सफलता मिलेगी, सफलता का मूल मंत्र क्या है, ये हमने आपको बता दिया है। आगे बढ़ते हैं डॉक्टर सीमा जी, नंबर चार की बात कर लेते हैं, साथ ही साथ मोबाइल नंबर की भी बात कर लेते हैं, अगर चार डिजिट हो तो कैसा रहता है? बिल्कुल, चार नंबर होता है सोच विचार का। कोई भी प्लेनेट जो है वो राहु का होता है, यूरेनस का होता है, लेकिन कोई भी प्लेनेट बुरा नहीं होता, सब प्लेनेट होने बहुत जरूरी है। जैसे खाने में सब चीजें बैलेंस डाइट होनी जरूरी है, ऐसे सब प्लेनेट होने जरूरी है, लेकिन अगर चार की अधिकता है तो कहीं आप ज्यादा टेंशन में तो नहीं है।
चार नंबर वाले अगर ज्यादा चार हो जाए तो हमेशा कैलकुलेशन करते रहते हैं, हमेशा पैसे की बात सोचते रहते हैं, धन की बात सोचते हैं, प्रॉपर्टी की बात सोचते हैं, हमेशा तनाव में रहते हैं, जोड़ तोड़ में पड़े रहते हैं, बाल की खाल निकालते रहते हैं। इसीलिए अगर आपको ज्यादा तनाव है तो कहीं देखें, जो लोग नंबर चार के नहीं है, अगर आपके नंबर में चार है तो पक्का से आपको टेंशन होगी किसी ना किसी बात को लेकर। और जिनके पास चार नंबर है उनका दिन कैसे रहेगा, और अगर ज्यादा चार है तो आपको भी थोड़ा संतुलन लाना होगा। यहाँ पे यूं कहूंगी कि चार नंबर वालों को बहुत ही ज्यादा लकीर के फकीर बोला जाता है और बहुत ही थियोरी में विश्वास करते हैं, मेहनत काम करते हैं, और आज आपकी मेहनत सफलता पाने वाले हैं। आज आपको चिंता नहीं करनी है, किसी को सपोर्ट मिल रहा है तो ज्यादा सोचे ना, सपोर्ट ले ले और अपना दिन अच्छा बनाएं। और अगर चार नंबर के हैं तो एक चीज बहुत अच्छी है, आप सिस्टमैटिक है, ऑर्गेनाइज्ड है, डिसिप्लिन है और बहुत ही ज्यादा स्पिक एंड स्पैन, सफाई पसंद रहते हैं। अच्छी बातें भी होती हैं, अच्छे और बुरे का कॉम्बिनेशन है, नोबडी इज परफेक्ट। चार नंबर का अगर आज का दिन अच्छा बनाना है तो आपको दूसरों की मदद लेकर आगे बढ़ना है। तो बिल्कुल हेल्प दूसरों के लिए जो, और उसके बाद देखिए एक अच्छा दिन, एक अच्छा भविष्य आपका बनता हुआ नजर आता है। आगे बढ़ते हैं, नंबर पांच वाले भी वेट कर रहे होंगे, उनके लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। साथ ही हम ये भी बताएंगे आपको कि अगर आपके मोबाइल नंबर में अंक पांच है, पांच नंबर आता है, तो क्या कुछ आपके लिए खास हो सकता है और किन चीजों से आपको बचना चाहिए। देखिए पांच नंबर है मर्करी का, मर्करी मतलब ज्ञान, और जब ज्ञान है, विल पावर है, अगर आप चाहते हैं अपनी लाइफ में संतुलन बनाना, हार्मोनी लाना और ट्रैवल करना, तो नंबर पांच तो होना बहुत जरूरी है। अगर संतुलन के लिए नंबर पांच है तो आज पहले पांच नंबर वालों का दिन कैसे होने वाला है वो बता दूंगी, और फिर बताऊंगी कि मोबाइल नंबर में ज्यादा पांच होने से क्या होता है। यहाँ पे पांच नंबर वालों का दिन आज बहुत अच्छा रहने वाला है। आज धन धान्य सुख समृद्धि का के योग के साथ ही यश कीर्ति में भी बहुत वृद्धि हो रही है, तो आपका पूरी तरह से वातावरण में छा जाना निश्चित है। लेकिन पांच एक बार तो संतुलन बनाता है, अगर दो बार आ जाए तो आपके अंदर जिद लाता है, आपके अंदर एडमेंट बिहेवियर लाता है, या तीन बार पांच होने से आप रिस्क लेने लगते हैं। और यहाँ पे ये कहूंगी कि बहुत खुशी नहीं हो पाती है, ज्यादा पांच होने से जिद्दी हो जाते हैं, तो कहीं आपके अंदर तो ऐसा नहीं है। और आपके अंदर अगर ट्रिपल फाइव है या चार बार फाइव है तो डेफिनेटली आपको सावधानी रखनी होगी वाहन चलाने में भी, क्योंकि ऐसे दे आर वेरी प्रोन टू एक्सीडेंट्स। सो अपनी जिद के चलते अपना जो बिहेवियर रूड होता है वो हो जाता है। सो अब कामयाबी के लिए पांच नंबर अच्छा है, लेकिन एक्सेस ऑफ फाइव इज नॉट वेरी गुड। सो चेक करें, कहीं आपके मोबाइल में फाइव है तो उनका मीटर भी बैलेंस में लाएं, क्योंकि पांच नंबर बैलेंस का है। बिल्कुल, तो पांच नंबर बैलेंसिंग का है, साथ ही बहुत सारे नंबर बचे हुए हैं, आपकी बहुत सारी क्वायरीज भी होंगी। आज स्पेशल सेगमेंट है हमारा कि आप मोबाइल नंबर में किन नंबरों को सावधानी के साथ रख सकते हैं। छोटे से ब्रेक पर हम जा रहे हैं, ब्रेक के बाद बाकी के नंबरों की बात करेंगे। अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल, हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ एमटीके स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। एमटीके इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।
ज्यादातर किसानों ने सरताज जिप्सम को अपनाया। ये मेरी जमीन थोड़ी खराब सी, सारिया खादा मैं पा के देखता रहा पर रिजल्ट नहीं चंगे आए। मैंने किसी ने दसा भाई सरताज जिप्सम पाओ शायद रिजल्ट बहुत वधिया आउण। मैं वो ट्राई की थी, ये मेरा जिहड़ा गन्ना आया है 15-15 फुट तो भी उपर चले गया। सरताज जिप्सम नेचुरल इम्पोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं, या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी हर रोज दोपहर 2:30 बजे। बालों की समस्या से क्यों हो परेशान, बच्चा खाए या जवान, सबका इलाज होगा एक समान। सिर दर्द और कब्ज होंगे 3 दिन में सुमंत्र, न जादू न टोना है केवल आयुर्वेदिक तंत्र। नाड़ी वैद्य में आयुर्वेद का कमाल देखना, ला इलाज हो कोई भी बीमारी, जड़ से होगा उसका इलाज देखना। कमजोरों के लिए बना दिया है ऐसा रसायन, खाकर उसको जीवन का आनंद देखना। देखिए कायाकल्प। कवर है सबसे शक्तिशाली कीटनाशक जो अधिक समय तक कीटों से सुरक्षा देता है, जिससे आपकी उपज बढ़े और मुनाफा भी। इसीलिए तो कहते हैं कवर बरसाए धन। कीटों से लंबे समय तक सुरक्षा पाने के लिए सिर्फ धानु का कवर ही मांगिए। अच्छी फसल होने के बाद बाबा का आशीर्वाद जरूर लीजिएगा। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। गुरनाम यार मेरी पनीरी लग गई है, तू सल्फर खाद केड़ी पौने? हां वे कोसावेट फर्टिस सल्फर खाद। आ चंगी है? बहुत चंगी है, मैं आप आजमाई है। पर तू तो दूजी बार थी सी ना यार, गल बनी नहीं। जे गल बनानी है ता इस बारी कोसावेट फर्टिस सल्फर खाद पाके देख, पर नकली माल तो बच के। असली फर्टिस दी पहचान री पत्ती दा निशान जरूर देख ले। सिर्फ कोसावेट फर्टिस ही 90% असली सल्फर खाद है। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है किस्मत कनेक्शन में। बात अब नंबर 6 की डॉक्टर सीमा जी कर लेते हैं। आज नंबर 6 वालों के लिए क्या खास है, साथ ही जिनके भी मोबाइल नंबर में नंबर 6 आता है उनके लिए क्या कुछ स्पेशल है? देखिए नंबर 6 जो होता है बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऐसे लोग, और वीनस का नंबर है, कमिटमेंट को जरूर निभाते हैं। कमिटमेंट निभाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा कमिटमेंट निभाने से लोग आपको मिसयूज करने लगते हैं। यहाँ पे आपकी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी की आइडियाज को, यहाँ गुड लक अपॉर्चुनिटी का नंबर भी 6 है। आज 6 नंबर वालों का डे कैसे रहने वाला है, तो यहाँ पे कुछ खास प्रोफेशनल और पर्सनल फ्रंट पे बैलेंस बनाने की जरूरत रहेगी। बाकी दिल से खुश रहने वाले हैं, आज का दिन अच्छा है। लेकिन अगर है मोबाइल नंबर में आपके ज्यादा 6 तो दूसरे लोग उपयोग करेंगे, यानी कि आप हमेशा दूसरों का काम करेंगे और अपने घर वालों को नेग्लेक्ट कर देंगे। और जहाँ पे 666 होता है तो वो दूसरों का काम करते हैं। 666 हम वी यूज टू कंसिडर एज ए डेविल्स नंबर, यानी कि आप अपने बारे में कभी नहीं सोचते। अगर आप अगर ठीक नहीं है और स्वस्थ नहीं है तो आप दूसरों को क्या
जहान में कहां सुख और खुशी दे सकते हैं। सो अगर आपके नंबर में बहुत सिक्स है और आप कहते हैं कि हमारा काम नहीं बन रहा, ऑब्स्टिकल आ रहे हैं, प्रॉब्लम आ रहे हैं, शादी नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, व्हाटएवर, तो पक्का से छह नंबर बहुत ज्यादा है आपकी लाइफ में और उसको बराबर करें, संतुलन करें। नहीं है तो एक नंबर रख ले, दो नंबर रख ले, उससे ज्यादा नंबर होने से प्रॉब्लम आ सकती है। अगर नहीं है तो दो तक रख सकते, अगर है तो एक भी ना रखे तो ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल, तो नंबर छह वालों का दिन कैसा है साथी, नंबर छह क्या कुछ खास कहता है वो भी हमने आपको बताया। आगे बढ़ते हैं, नंबर सात की बात कर लेते हैं। आज नंबर सात का भाग्य क्या कहता है साथी, अगर आपके मोबाइल में नंबर सात है तो क्या कुछ खास हो सकता है। लोग कहते हैं लकी सेवन और सेवन नंबर का प्लेनेट है नेपच्यून। यहाँ पे कहना चाहूंगी कि अगर आप नंबर सेवन है तो आप मैग्नेटिक है, लकी है, काम कर सकते हैं, एक्शन ओरिएंटेड पर्सन है। लेकिन जहां से जहां पे एक से दो हुआ सेवन, तो आप समझ लीजिए हमेशा आपकी लाइफ में लव, हेल्थ, मनी, सक्सेस को लेकर लॉसेस हो सकते हैं। तो दो सेवन आपको घाटा करा सकते हैं, दो सेवन आपकी लाइफ में क्राइसिस ला सकते हैं, दो सेवन प्रॉब्लम ला सकते हैं, दो सेवन से तीन सेवन होते हैं तो और भी प्रॉब्लम हो सकती है। सेवन सिर्फ एक ही होना चाहिए, एक ही तक सीमित रहे तो ज्यादा अच्छा है। सेवन साइंटिफिक नंबर है, सेवन मेंटल पीस का नंबर है, सेवन स्पिरिचुअलिटी का नंबर है। यहाँ पे चाहेंगे अगर आप मानसिक शांति तो एक ही सेवन रखें, उससे ज्यादा नहीं। आज का दिन आपका कैसे होने वाला है देख लेती हूँ। आज के दिन क्या आपको करना रहेगा खास, तो अगर बहुत दिन से कुछ सोच रहे हैं तो वो कर डाले, आज शुभ समाचार मिलने वाला है, आज का दिन अच्छा रहने वाला है। बिल्कुल, तो आज का दिन सात वालों के लिए अच्छा रहने वाला है। फटाफट नंबर आठ की बात कर लेते हैं। आज नंबर आठ के लिए क्या कुछ खास है? आठ नंबर है ज्ञान का, आठ नंबर है शनि का, आठ नंबर है मनी का, इसके बिना भी नहीं चल सकता है, इसलिए आठ नंबर होना बहुत जरूरी है। तो 9-8 वाली सीरीज में आठ नंबर ले लें। आज का दिन आठ नंबर वालों के लिए क्या खास लेकर आए हैं यहाँ पे कार्ड्स देख लेते हैं। आठ नंबर वालों को डावाडोल नहीं होना है, सेक्रीफाइस नहीं करना है, मेहनत जारी रखनी है, तो अच्छा दिन बन सकता है। और ज्यादा आठ होने से ज्यादा गुस्सा आता है, कहीं ज्यादा गुस्सा ही भी आपकी लाइफ को अच्छा नहीं करता, खराब करता है। 888 होने से मटेरियलिस्टिक हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी, अगर चाहिए पैसा, अगर चाहिए शांति, अगर चाहिए एजुकेशन नॉलेज, तो दो आठ से ज्यादा नहीं होने चाहिए आपके नंबर में। तो बिल्कुल, दो आठ से ज्यादा आपके लिए हानिकारक हो सकता है। नंबर नौ की जो कंबाइंड नंबर होता है, कंपाइल होता है, उसकी बात हम कर लेते हैं क्या कुछ खास। बिल्कुल, और आठ ज्यादा होने से आपको हेल्थ इश्यूज भी बहुत आ सकते हैं, तो ज्यादा आठ है तो उससे भी आप बच के रहें। यहाँ पे आते हैं नौ नंबर की, मंगल नंबर की, मंगल का नंबर है और सबके लिए मंगलकारी हो, सबका अच्छा सोचता है और सबके लिए अच्छा करता है, और नौ के बाद एक आता है तो जिंदगी की अच्छी शुरुआत हो सकती है। अगर आप भी नंबर नौ हैं तो आपको ज्यादा नौ से तो बचना ही है, क्योंकि आज की डेट में अगर आज कलयुग के टाइम में ज्यादा ह्यूमैनिटी करते रहे तो गड़बड़ हो जाएगी। आज का दिन आपका कैसे रहने वाला है, तो सबसे लेन देन बराबर करने वाले हैं, इमोशनल नहीं होना है ज्यादा, आज इमोशंस को पीछे छोड़कर काम पे ज्यादा ध्यान देना है। कागजी कार्रवाई कर रहे हैं तो ध्यान से पढ़ के साइन करें, उससे आपको लाभ होगा, नहीं तो दो की लड़ाई में तीसरा बंदा फायदा उठा सकता है। और नौ ज्यादा होने से आप दूसरों की बात नहीं सुनते, आप स्ट्रॉन्ग हेडेड हो जाते हैं, और दूसरी बात ये कि जरूरत से ज्यादा ह्यूमैनिटी और ज्यादा नेम एंड फेम भी आपको प्राउड ही बना देता है, और आप सोचते हैं कि मैं ही मैं हूँ, ऐसे काम चलता नहीं है। तो देखें, ज्यादा नाइन तो नहीं है, परेशानी का कारण हो सकता है। बिल्कुल, तो कोई भी अगर नंबर ज्यादा हो तो कैसे आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ये सब हमने आपको बताया। बिल्कुल पूजा, वैसे हाँ। ही खाने में ज्यादा नमक हो तो नहीं खा सकते, खाने में ज्यादा चीनी हो तो डायबिटीज हो जाती है, कुछ भी चीज अति होगी तो वो आपके लिए नुकसानदायक होगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सीमा मिड्डा जी, आप इस कार्यक्रम में आई हमारे साथ, बहुत दर्शक हमारे साथ जुड़े, आप सभी का भी बहुत शुक्रिया। फिलहाल किस्मत कनेक्शन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।